तो वेलकम बैक टू द चैनल। आपने टाइटल और थंबनेल तो पढ़ा ही होगा इस व्लॉग का। एक्चुअली अब तक आपने देखा कि कैसे हम आराम से लद्दाख आ रहे थे, ले आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी ख़राब हुई और मुश्किल से आरएस से करा, गाड़ी टो करी, हम पहुंचे ले। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे स्टे लिया था, एक पूरा दिन हमने रेस्ट करा क्योंकि संडे था, संडे को गाड़ी का काम होना नहीं था, एजेंसी बंद थी। आज क्या हुआ, आज मंडे है। आज मैं सुबह उठा, हमने ना इधर ले पैलेस के पास एक होटल लिया हुआ 3-4 दिन के लिए, क्योंकि अभी गाड़ी तो उधर है ना, कैंपिंग कर पाएंगे ना ट्रैवलिंग कर पाएंगे। तो मैंने इधर एक होटल लिया है और साथ में हमने एक स्कूटी हायर कर ली थी ताकि मैं एजेंसी तक जा सकूँ या हम बाज़ार में जा सकें। अभी सीन क्या हुआ, आज मुझे जाना था एजेंसी। सुबह मैं उठा, नहाया धोया और फिर मैं यहाँ से अपनी स्कूटी उठा के चल पड़ा। यहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर दूरी पे है एजेंसी, बहुत दूर है, मतलब मेन सिटी से बाहर की तरफ है। वहाँ पे मैं पहुँच गया था टाइम से, 9:30 बजे पहुँच गया था, बट एजेंसी खुली 10 बजे। आप इतनी जल्दी पहुँच गए? हाँ, मैं आधा घंटा वहाँ पे वेट करता रहा, वहाँ पे और भी गाड़ियाँ थी। आप निकले 8:30 बजे, 1 घंटा लगा। रास्ते में ब्रेकफास्ट भी किया मैंने। अच्छा। तो रास्ते में मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं गया एजेंसी। मुश्किल से रास्ता ढूंढा मैंने, जीपीएस चेक करूँ, स्कूटी चलाऊँ, फिर रोकूँ, फिर जीपीएस चेक करूँ, ऐसे कर रहा था मैं। बट मुझे मज़ा भी आ रहा था क्योंकि लेह में ना स्कूटी में एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है, बट एक तरफ ये भी था कि चलो गाड़ी का क्या बनेगा। तो मैं वहाँ पे गया एजेंसी में, 10 बजे एजेंसी खुली, तो आए सारे अपने काम कुम करने वाले, उन्होंने गाड़ी डाली उसमें लिफ्ट में, गाड़ी को उठा दिया। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने उनको स्टोरी बताई और फिर उन्होंने नीचे वाला इंजन गार्ड कवर नहीं होता जो हमारा आधा टूटा था, वो उन्होंने सारा निकाला। फिर उन्होंने वो गियर बॉक्स चेक करा सबसे पहले कि गियर क्यों फंसा है, तो उन्होंने ना एक स्पेयर पार्ट निकाला जो कि हमारे गियर को, जब हम गियर चेंज करते हैं वो इंजन से कनेक्ट करता है, मूवेबल है वो इतना बड़ा स्पेयर पार्ट था लोहे का और वो टूट गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा वो टूटा कैसे, कुछ पत्थर बजा के, कोई प्रेशर से टूटा कि गाड़ी एकदम से नीचे हिट हुई इसलिए टूटा, तो वो टूटा। पहले उन्होंने वो पार्ट निकाला, तो फिर वो चेक कर रहे थे कि कहीं पूरे गियर बॉक्स में तो नहीं प्रॉब्लम, बट चलो एक वो टूटा था, एक नट टूटा था जिसकी वजह से वो टूटा, तो वो चीज निकली। उसके बाद उन्होंने चेक किया कि कूलेंट क्यों लीक हुआ। उनको ना नीचे से एक पाइप नजर आ रही थी जो टूटी हुई थी, ऊपर की तरफ फ्लैश मार के देख रहे थे, तो उनको पता लगा कि ये पाइप से वो लीक हो रहा है कूलेंट। इट मींस कि वो पाइप भी लोहे की थी ना। ना पाइप पे लोहे की नहीं होती। अच्छा। तो पाइप पे लोहे कैसे हो गया, बहुत हैवी नहीं हो जाएगी गाड़ी। फिर उसके रेडिएटर के पास थी तो उससे वो लीक हो रहा था, तो ज्यादा डिटेल में उन्होंने चेक नहीं किया क्योंकि उनको ना वो खोलना पड़ना था सारा बोनट, सारा ही फ्रंट, सारा ही टप्पा सा उनको नीचे करना पड़ा था ताकि अंदर तक दिख सके। तो नहीं किया अभी तक क्योंकि उनका जो वो करने वाला था ना वो बंदा ही नहीं था उधर। तो आज सारा दिन मेरा वहां पे निकल गया। अभी बज रहे हैं 3 और मैं अब आया हूँ होटल में, सुबह से हो गया रहा था। जैसे उन्होंने चेक किया ना फिर वो अपने अपने मस्त हो गए। आपको पता ही है टाटा की एजेंसी या कोई भी एजेंसी वाले लगा लो, आपको पता ही क्या हाल है वहाँ, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ आई जा रही हैं, ठीक है। वो बंदे आपको पता ही लिमिटेड से होते हैं उनके पास। तो मैं बैठा रहा, फिर मैंने सारा प्रोसेस पूछा। फिर क्या हुआ था कि हमने ना क्लेम तो रजिस्टर कर दिया था इंश्योरेंस का, ICICI का इंश्योरेंस था है मेरे पास, फुल 0 डेप्ट जो कैशलेस इंश्योरेंस होता है, बट उसमें हमने क्लेम तो रजिस्टर करा था, बट उनको ना अपडेट नहीं किया हमने ऑनलाइन कि हम एजेंसी में पहुंच चुके हैं या वो सब चीज़ें, तो वो पेंडिंग काम था। तो जो वहाँ के एक सरदार जी थे, मतलब जो हेड थे, उन्होंने पठानकोट के थे शायद, पठानकोट के हैं, तो हेड है मतलब वहाँ के जो सारा वो पेपर वर्क देखते हैं, तो उन्होंने फिर कॉल लगाई इस पे टोल फ्री नंबर पे ICICI के और मुझसे सारी डिटेल ली। फिर उन्होंने सर्वेयर पता करा कौन है, सर्वेयर को फोन लगाया कि हाँ आपके पास ये क्लेम नंबर ये वाली गाड़ी का। फिर क्या हुआ कि उसके बाद मैं इधर उधर भटकता रहा कि कर क्या रहे हैं, वो अपने टाइम पास करने लग गए, इधर उधर मस्त हो गए। तो फिर मैं आपको तो बता ही रहा था क्या अपडेट है, तो क्या सीन हुआ उसके बाद। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज थोड़ा जल्दी करो। एट द एंड समरी मैं बताता हूँ, डिटेल में नहीं जाता, कि आज शाम तक वो ना जो सर्वेयर होगा ICICI के इंश्योरेंस वाला, आज शाम को आ जाएगा, आएगा नहीं, वो उसको ना वो भेजेंगे एस्टिमेशन कि हमारा कितना खर्चा आएगा। अच्छा। सारे स्पेयर पार्ट्स और सारी लेबर मिला के, ये जो डेंट पड़ा है गेट पे उसका डेंट निकाल के उसको पेंट करना है, तो आप ये एस्टिमेशन लगाओ। चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बोलता कि अगर इसको चेंज करवाना है तो 2-3 महीने लगेंगे नया गेट आने में। मैं आज भाई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि अभी हम ना करवाएं बट
इसको इस इंश्योरेंस में आए बट ये पेंडिंग में रह जाए और आप घर जाके करवाओ। ऐसे नहीं होता ये इंश्योरेंस वाला काम ना, अगर ऐसे होता ना तो बहुत बढ़िया होता, और अगर हम अपने शहर में बैठे होते ना तो बहुत अच्छा होता। दिल्ली जैसे पंजाब जैसे स्टेटों में भी हफ्ता हफ्ता 10 10 दिन लगा देते हैं स्पेयर पार्ट आने में। यहाँ पे तो बाय रोड पुणे से आएगा 2 3 महीने का टाइम। पुणे से तो फिर मैंने उनको बोला चलो ठीक है, जो जो कंपलसरी वो कर देते हैं, आप डेंट निकाल दो, ओरिजिनल पेंट ही होगा जो अपने टाटा करती है, तो उसमें पता नहीं लगे, पूरा वो हो जाएगा, डोर पेंट हो जाएगा। तो जो नीचे वाला इंजन गार्ड कवर वो उसमें ऐड किया उन्होंने, वो नया ऑर्डर करेंगे। और ये चीजें उन्होंने ना बोली है कि शाम तक वो एस्टिमेशन लगाएंगे और वो हम मेरे सर्वेयर को भेजेंगे। फिर सर्वेयर का काम ये है कि उसको पास करना क्लेम को, कि हाँ हम फुल पास कर रहे हैं इस क्लेम को। जैसे सर्वेयर क्लेम पास कर गया वैसे ही गाड़ी का काम स्टार्ट हो जाएगा। और आज उन्होंने ऑर्डर भी लगा दिया सामान का, क्योंकि उनको पता है कि ये चीजें इसमें लगेंगी, लगेगी। चाहे क्लेम पास हो ना हो, हमें तो उसको पे करना पड़ेगा भाई। तो क्या होगा कि जैसे सर्वेयर क्लेम पास करेगा ये, तभी गाड़ी का काम स्टार्ट कर देंगे उसे पहले कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि फिर खर्चा कौन देगा, ये तो अभी क्लियर ही नहीं है ना। दूसरी बात, जो इन्होंने स्पेयर पार्ट ऑर्डर करे हैं वो 4 से 5 दिन लगाएंगे यहाँ पे आने में। बट इनको कर देना चाहिए ना, क्योंकि अगर मान लो वो क्लेम नहीं पास होता तो भी काम तो हमें करवाना है ना, पैसे तो उनको तो मिल ही जाएंगे चाहे हम दे जाए ऐसे काम के डिस्प्यूट लिए। खड़ा होता है ना, कोई खर्चा कभी कभार बहुत ज्यादा होता है और बंदे के पास हो ना, तो डिस्प्यूट खड़ा होता है ऐसे। शुक्र है आप कंपनी नहीं चला रहे। तो गाइज ये सीन था, मैंने जितना हो सका ना भानु के फोन से छोटी मोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड सीन दिखा सकूं कि क्या चल रहा था। बोल के तो चलो मैं बता ही देता हूँ, तो ये सीन चल रहा था आज का। व्लॉग व्लॉग नहीं था, जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपको कि ये हो रहा है। अभी क्या है कि कल, अभी कल सुबह या कल जाके ना मैं ये पता करूंगा कि जो इन्होंने जो खर्चा बताया है सर्वेयर को, वो उसने क्लेम पास किया कि नहीं। उसके ये बाद कल पता लगेगा हाँ या ये आपको कॉल कुल भी आ सकती है नहीं, मैं पहले। कॉल करके मैं पूछ लूंगा उनसे क्या क्या प्रोसेस है। बाकी वो डेंट, जब वो सर्वेयर ने मान लो क्लेम पास कर दिया, फिर उन्होंने डेंटिंग वाला काम शुरू कर देना, दरज्जे वाला। और जो स्पेयर पार्ट आएंगे, स्पेयर पार्ट वाला काम है वो 4 5 दिन में आएंगे। फिर वो जब वो स्पेयर पार्ट आएंगे तब उसका काम होगा, तब तक वो गाड़ी खड़ी रहेगी वहां बट पे। ये जो पाइप वाइप है ये तो होती होंगी इनके पास, नहीं ये भी नहीं है। ये बहुत, ये इनके पास सिर्फ बहुत नॉर्मल सामान होता है जो डे टू डे चीजों में काम आता है, ऐसी चीजें बहुत रेयर है। हमारे साथ रेयर एक्टिविटी हुई है, ऐसा बहुत कॉमन एक्टिविटी नहीं हुई कि क्लच प्लेटें सड़ और गई। जो आगे का वो है क्या बम्पर वगैरह बम्पर तो ठीक था, स्क्रैच। स्क्रैच अगर मैं स्क्रैच देखने लग जाऊँ ना गाड़ी में और उस हिसाब से सामान मंगाने लग जाऊंगा इनसे, तो हम 1 साल यही लेन में ही है, फिर उसके बाद घर डाल लेते हैं यहाँ पे। आप तो कह ही देते हैं हमें शिफ्ट होने देने में। तो गाइज ये सीन है, अभी मैं वापस आया हूँ, मैंने दीपक भाई को भी सारा अपडेट दिया, उन्होंने फोन करा था पूछा था कि क्या हाल है क्या हो रहा है। मैंने उधर से पहाड़ी परिंदों को भी सारा बता रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि वो ना ले के पास ही घूम रहे थे, तो मैंने सोचा एक बंदा तो हो जो अगर उसकी जरूरत पड़े तो मैं उनको फोन कर सकूँ। तो उनसे भी बात हो रही थी मेरी, आकाश भाई से, पहाड़ी परिंदे।